जसपुर की सहकारी नादई चीनी मिल समय से पिराई सत्र शुरू कराने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की एक टीम प्रदेश सचिव के नेतृत्व में नादई चीनी मिल पहुंची, जहां चीफ इंजीनियर से वार्ता कर मिल की जानकारियां हासिल कर शीघ्र ही मिल को शुरू कराने की को कहा, जिससे कि किसानों को किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और समय से गन्ना कट जाए। मिल प्रबंधन के चीफ इंजीनियर ने भारतीय किसान यूनियन को आश्वासित किया गया कि इस बार किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। साहब से मिलना है, डीएम साहब है नहीं यहाँ पर, तो हमें अधिकारी मिले और चीफ इंजीनियर, उन लोगों से हमारी बात हुई, बात करके हम संतुष्ट हुए। उन्होंने बताया है कि 25 अक्टूबर तक हम आपको प्लान तैयार कर देंगे, इसके बाद में अधिकारी जाने कब चलाएंगे, तो ऐसा आश्वासन मिला है। अंदर से ही हमने कर्मचारी से बात करी है कि शायद नवम्बर के पहले हफ्ते में मतलब फैक्ट्री चल रही थी मूड में, मेंटेनेंस का काम लोगों से चल रहा है और 30 अक्टूबर तक हम लोग इस पोजीशन में पहुँच जाएंगे, इसके ट्रायल शुरू हो जाए, यानी कहने का 30 अक्टूबर तक मरम्मत का काम पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद उपकरणों के जो ट्रायल हैं वो शुरू होंगे और हम 8 नवंबर के बाद चलाने की पोजीशन में होंगे। ऐसा नहीं, पिछले साल अमूमन जो ये फैक्ट्री है नवंबर के सेकंड वीक में ही चली है, पिछले साल करीब 24 नवंबर में चली है, इस बार तो हम पहली मिल में जो गन्ना चीनी मिल है जसपुर के अंदर नई चीनी मिल उसमें हम आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ अब गन्ने का सत्र चालू होने वाला है, तो आज कमिश्नर साहब और जो इंजीनियर साहब से हमारी वार्ता हुई है और जो यहाँ के गन्ना विभाग के अधिकारी हैं, क्योंकि जीएम साहब गए हुए हैं कहीं तो वो मिले नहीं, तो तीन अधिकारियों से हमारी बात हुई है। हमारी मांग यह है कि भाई पहली तरीक में नवंबर में, पहली नवंबर को फैक्ट्री ये चल जानी चाहिए, तो हम तैयारी परखने आए थे, तो हमें आश्वासन मिला है कि 25 अक्टूबर तक हम पूरी तैयारी कर लेंगे और पहली तक हम प्रयास करेंगे कि पहली तरीक को ये मिल चल जाए, और ये अब के सत्र में तो ये पहली तक चला देंगे, तो हम इन्हें बहुत ही यानी ये समझ लो कि सम्मानित करने का काम भी करेंगे।